एक साधु बाबा थे। हाँ महाराज जी सुनाने लगते, बड़ी सुंदर पंक्ति है। साधु बाबा के पास थी चार मोहर, मोहर जानते हो आप लोग, सोने की। अच्छा साधु जी की जटा खूब बड़े बड़े, तो साधु जी उन रोज स्नान करवे और स्नान करके उन मोहरन का अपनी जटन में लगा के जूड़ा बना, जूड़ा देखो आप लोग साधु संतों का, देखो कि नहीं। अब सुनो, एक आदमी ने देख लो, वो चला लो, वो चला रहा हो तो हर हर मतलब ये गांव में होते हर होते बैलागाड़ी, वो चला रहा था हर। उसने संत जी को देखा कि भैया ने स्नान की और स्नान करके सोने की चार मोहर अपने जटा पे रख ली। वो दौड़ करके पहुंचा, बोले महाराज अब तो आज तो आपको कहीं नहीं जाना, आज तो आपको हमारे घर पे चलना। बोले क्यों? बोले आज तो आपके भोजन कहीं नहीं होंगे, आज तो आपके भोजन हमारे घर पे होंगे। अच्छा संत साधु ब्राह्मण चले जाते, चले गए संत जी। संत जी गए, सोचते हैं ऐसे घर में बैठा ला जिस घर में उसका संपूर्ण सामान रखा था, और बैठाल करके संत जी को बड़े सुंदर भोजन करवाए। और भोजन जैसे करवाए, ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, जैसे ही भोजन करवाए सो पत्नी से पूछा, बोले जाओ और जाओ जाकर के अलमारी को खोलो और खोल करके देखो उसमें चार मोहर रखी होंगी। अब काय का मोहर हती उगा तो संत जी की क्या छोड़ा उन्हें थी। पत्नी बोली कहा है मोहर? अरे बोले यही रखी थी अलमारी में रखी थी। पत्नी बोली नहीं है यहां, पहले ही से सेटिंग कर लिया था। पति बोला कैसी बात करती है, यही है, कहां गई? धरती निकल गई कि आसमान खा गया? मोहर तो यही रखी थी। एक काम करो, पूरे गांव वालों को बुलाओ और साधु जी तुम यहीं बैठो, सबकी जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल में जिसके पास चार मोहर मिल जाएंगी वही असली चोर होगा। साधु जी ने मन में विचार किया कि चार मोहर तो हम ही अपने जूड़ा पे लगाए और गांव के चेक करने के लिए आए तो चार मोहर तो हमारी जूड़ा में से निकलनी जटाओं में से। और गांव वालों को ये और कहना कि मोहर तो साधु जी ले गए, भैया ये तो चोर था। साधु जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, हमारी थोड़ी सी लालच बढ़ गई, इसके लिए हमने मोर अपनी इसमें जटा में रख ली थी, लो भैया ये चारों मोर खा लो। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। पत्नी से बोला एक काम करो, साधु जी को ऐसे ही अकेला मत भेजना, संत आता है तो उसका आदर करना। एक काम करो भे, तीन मोर धर दो अपनी अलमारी में और एक मोर बढ़िया थरिया में धर के महाराज को बढ़िया टीका करके एक मोर से विदा कर। अच्छा साधु जी की मोर और ले लई भैया ने और विदा में उल्टी एक मोर दे दो, एहसान भी कर दो, पूछी हाथ जोड़ के, अरे महाराज जी आ गए, पूछ महाराज जी की व्यवस्था करो भाई। बोलो फलहारी जी महाराज की, पूछ महाराज जी की व्यवस्था की जाए तुरंत। देखो साधु जी की चर्चा हुई, महाराज जी आ गए, इनका बड़ा स्नेह हम पर है और महाराज जी के आने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हमेशा आशीर्वाद दिए रहते हैं, पूछ जी जल्दी की जाए व्यवस्था। अब भैया वो आदमी ने पूछो साधु जी से, बोले महाराज अब कब आओ? सो महाराज ने मन में विचार करो कि जब चार मोर हम ना हो जे, जब लौट के फिर आए तो का ठिकानो, फिरते ने चार की चोरी धर दे तो कहां से ले आओ? ऐसे ऐसे व्यक्ति संसार में है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इनसे भी बच के रहो।